लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी C8 की। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल वारंटी में पाकिस्तान में अवेल नहीं हुआ है हैंडसेट। ये आपको विदाउट वारंटी में ये हैंडसेट मिलेगा था मार्केट में तकरीबन 30,500 या 31,000 तक। दोस्तों आइए अब हम इस हैंडसेट के स्पेक्स को जानते हैं और उसके बाद हम इस हैंडसेट को अनबॉक्स करके मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके स्पेक्स को, तो थोड़ी बहुत है जो है लैंग्वेज इन्होंने पता नहीं कौन सी दी है। तो आइए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस हैंडसेट के फुल मेटल बॉडी हैंडसेट है और उसके अलावा इसके बैक साइड में हमें डुअल कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा इन्होंने दिया है इस हैंडसेट का वो है 16 मेगापिक्सल। और दोस्तों इसके अलावा हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और इसका जो प्रोसेसर दिया है इन्होंने इस हैंडसेट में वो है 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। सुपर अमोलेड डिस्प्ले 5.5 इंच का। इसकी रेजोल्यूशन हमें मिलती है वो है 1920 की। 3 GB रैम दी है, 32 GB रोम दिया है। उसकी जो बैटरी दी है इन्होंने इस हैंडसेट में वो हमें मिलती है 3000 mAh इसकी बैटरी। दोस्तों ये थे इसके स्पेक्स, अब आइए इस हैंडसेट को हम अनबॉक्स करें और इसका शेप देखें कि कैसा शेप है। मैंने इसका शेप देख लिया है पहले ही, अब आपको भी दिखा देता हूँ इस हैंडसेट का शेप में। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही प्यारा सा शेप दिया है इसका इन्होंने। 5.5 इंच का डिस्प्ले, फ्रंट में हमें फ्लैश भी मिलती है। ये इसका एयर पीस है और ये इसका कैमरा, मैंने आपको बताया कि 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है इन्होंने इस हैंडसेट में। और उसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है इस हैंडसेट में हमें। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसके कैपेसिटर कीज़। और साइडों में चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्पीकर मिलता है, साइड में स्पीकर है, डाउन साइड में हमें नहीं मिलता इस हैंडसेट में। और ये इसका आप देख सकते हैं कि पावर ऑन ऑफ बटन दिया है और इस साइड में हमें वॉल्यूम कीज़ मिलती हैं। और ये इसका सिम जैकेट, और यहाँ पे इसका ये सिम जैकेट है और मेमोरी कार्ड भी इसी हैंडसेट में यहीं लगेगा इसकी। और हम इसकी डाउन साइड चेक करें तो आप देख सकते हैं कि 3.5 का ऑडियो जैक है और चार्जिंग जैक है और माइक दिए इन्होंने, अपर साइड में वीडियो माइक दिए इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसकी। और हम इसकी बैक साइड देख करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके ड्यूअल कैमरा और इसके साथ ही फ्लैश, सैमसंग की ब्रांडिंग, IME स्टिकर सेंसर का, और थोड़ी डिजाइनिंग भी दी है इसकी बैक साइड में आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने अभी J5 और J3 Pro की, J5 और उसके अलावा J7 Pro की बैक साइड में इन्होंने डिज़ाइन दिए। थोड़ी कर्व डिज़ाइन थी लेकिन इसकी स्ट्रेट है बिल्कुल ही। और दोस्तों ये था इस सेंसर का शेप। और इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल किया गया है वो है 7.19। दोस्तों आइए अब हम इस सेंसर के, मैं आपको स्पेक एसेसरीज चेक करा देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको इसका एंड्रॉयड वर्जन सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये इसका इन्होंने पता नहीं इसमें सेंसर में क्या बुकलेट दिए हुए हैं। और ये इसके देख सकते हैं कि कार्ड पता नहीं सैमसंग वालों का डाला हुआ है सेंसर में। और अब इसकी एसेसरीज देखें तो इसकी एसेसरीज तो इन्होंने बिल्कुल ही छुपा के रखी हुई है, जैसे मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसकी एसेसरीज को कैसे निकालूं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें हेडफोन मिलती है, ये इसका चार्जर दिया है इन्होंने और उसके अलावा ये इसकी चार्जिंग की केबल। दोस्तों ये थी इसकी एसेसरीज जो बड़ी मुश्किल से हमने देखी सेंसर की। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे निकालूं लेकिन निकल गया। कहाँ एसेसरीज मैंने आपको इस सेंसर की दिखा दी है। और इसके अलावा दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।